आज का कुकिंग मैं कर रही हूँ गाइस, एंड ये है बैगन का फ्राई, ये है बटबटी एंड ये है परवल। सो ज़्यादा से ज़्यादा सिंपली कुकिंग होगा आज, एंड और एक करी होगा जो कि पालंग के साथ। मैं थोड़ा बहुत पटेटो दूंगी एंड करूंगी, तो अब लोग देख सकते हो। एंड राइस अभी हो रहा है गाइस, अब लोग देखो। एंड मैं अभी कर रही हूँ कुकिंग। इसमें ना मैं थोड़ा सा बोरी दूंगी जो कि दाल से बना हुआ है, सो इसको मैं थोड़ा कर लेती हूँ गरम। सो गाइस, आते आते बहुत बारिश हो रहा था इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं कर सकी। एंड आप लोग देख सकते हो मैं अभी हूँ इस रूम पे। रूम तो अच्छा ही है गाइस, एंड व्यू भी अच्छा ही है। एंड इस तरफ है बालकनी एंड इस तरफ है डोर। सो अभी तो यहाँ पे हूँ, पता नहीं रात में कहाँ जाऊँगी एंड किधर सोऊँगी, तो आप लोग देखते रहे हो। सो मॉर्निंग हो चुका है गाइस, एंड मैं शिफ्ट करी थी निचले वाले रूम पे, तो मैं अब जाऊंगी इस रूम के उस पर क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे देखने को चीज़ है। सो क्या चीज़ है अब लोग देखना मेरे साथ, तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर है गाइस बहुत सारे तुलसी के पेड़, एंड लुक एट द व्यू। अभी 6:30 AM हो रहा है, विलेज का एरिया में जो व्यू है इट्स टोटली ऑसम। एंड इस रूम में मैं अभी थी, इस जो निचले वाले रूम इसमें मैं थी, तो अब लोग देख सकते हो कितना अच्छा व्यू है। एंड सिर्फ तुलसी का पेड़ नहीं गाइस, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ है। एंड एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा जो कि पेड़ सिर्फ नहीं है, सबके सब फ्रेश है। वाह क्या सीन है। गाइस 7:25 हो चुका है एंड मुझे बहुत ही भूख लगी है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। फाइनली गाइज, ये है आलू के कड़ी एंड ये है पूरी, एंड इसे मैं खाने वाली हूँ एंड चेकआउट करने जाने वाली हूँ गुआवा ग्राउंड में। ख़त्म करते हैं एंड मिलती हूँ मैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने खाया ये माजा जो कि उन लोगों ने मुझे दिया, तो बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट हुआ आज, मज़ा आया। ये देखो गाइज, मैं अभी हूँ गुआवा गार्डन में एंड यहाँ पे हार्वेस्टिंग होता है गुआवास। सो मेरा दूसरा व्लॉग में गुआवा गार्डन रिलेटेड सब कुछ है, अब लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। तो गाइज मैं माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मैं लंच के वक्त में शूट नहीं कर सकी, तो आई एम सो सॉरी। सो अभी दोपहर का वक्त है एंड मैं जाने वाली हूँ टेरेस पे। सो ये देखो यहाँ का व्यू कितना अच्छा है। सो विलेज में गाइज ऐसे ही ऑसम ऑसम लुक अब लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आप लोग विलेज से हो तो मुझे कमेंट करना, एंड अगर आप टाउन से हो तो मुझे लाइक करना एंड कमेंट ज़रूर करना। तो ये देखो यहाँ का लुक जो है बहुत ही ऑसम है। एंड अगर आप लोगों को पता होगा मुझे नेचर रिलेटेड चीज़ें बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो बहुत ही ऑसम चीज़ था, मुझे बहुत अच्छा लगा। ओह माय गॉड, वाओ।
गाइस हम लोगों का जो रिलेटिव है उसके घर प्रॉपर विलेज एरिया में है एंड व्यू इट्स टोटली ऑसम। सो नेचर रिलेटेड चीज़ें मुझे बहुत ही पसंद आती है हर वक्त, तो क्या ही बताऊँ आप लोगों को। सो इसके पीछे है एक ठाकुर घर जो कि होते ही होते हैं हम हिंदू लोगों को घर में, एंड मैं अभी नहीं जा सकती क्योंकि मैं खा के आई हूँ। सो अब लोग देखो तो गाइस थोड़ी ही देर में मैं निकल जाऊँगी, पर मुझे जाने का एकदम मन नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो लोग रहते हैं बहुत ही अच्छे हैं, स्पेशली बॉयज़ गाइस मुझे नहीं पहचानते हैं पर मुझसे बात किया, मुझसे घुल मिल गए जो कि बहुत अच्छा एक साइट है एंड यू नो। गाइस आज का व्लॉग बस इतना ही, आप लोगों को कैसे लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।